चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा ज्वेलरी हॉल। मिंत्रा से मैंने बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की ज्वेलरी मंगवाई है। 5 नेकलेस होने वाले हैं इसमें, जो कि बहुत ही गजब की क्वालिटी के हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और काफ़ी अच्छे मुझे लगे, आपको भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। और लिंक अगर आप चाहते हो तो इनके लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, तो आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले मैंने एक नेकलेस मंगवाया है जवेरी पर्ल्स का। ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया है, देखोगे आप। मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है, तो काफ़ी प्यारा मुझे लग रहा था। और मेरी ये ना एक साड़ी की मैचिंग का है, तो मैंने सोचा इसे मंगवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसे दिखाना चाहती हूँ। ये काफ़ी ब्यूटीफुल रानी हार होने वाला है, विद ईयरिंग्स, मांगटीका एंड रिंग, मतलब फुल ऑन सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। क्वालिटी मुझे इसकी ना फ़ोटो में ही बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करती हूँ। मिंत्रा से मैंने अभी तक कोई ज्वेलरी हॉल शेयर नहीं किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी प्यारा कलर कॉम्बिनेशन इसका, बहुत ही स्मूदिंग है, आंखों पे ही बहुत प्यारा लग रहा है। पीच कलर का और ग्रीन कलर का होने वाला है ये, और बहुत ही प्यारा है। मैं आपको ज्वेलरी का क्लोजअप शॉट्स भी दिखाऊंगी और आपको पहन के भी दिखाऊंगी, तो आप मुझे बताना कि कौन सी सबसे अच्छी लग रही है आपको। सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाना चाहती हूँ। ईयरिंग्स की क्वालिटी देखो आप, मांग टीके की क्वालिटी देखो आप, रिंग देखो, चाहे आप इस नेकलेस को देखो, बहुत ही प्यारी क्वालिटी का है। मैं इसको जब भी देख रही हूँ ना, मन कर रहा है बस अभी आज ही इसे पहन डालूँ मैं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे आप बताइएगा कि कौन सा वाला सबसे अच्छा आपको मेरे ऊपर लग रहा है। एक मैंने नेकलेस मंगवाया है, ये भी बहुत ही प्यारा सा मुझे लग रहा था। और इस बारी जो मैंने नेकलेस मंगवाया ना, ये लाइट कलर के मंगवाने की कोशिश करिए, क्योंकि डार्क कलर के जो हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये तो हमारे पास बेसिकली होते ही हैं, बट ये थोड़े से डिफरेंट कलर हैं जो मैंने इस बारी ट्राई करे हैं। ये भी आप देखोगे बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया है। ये बहुत ही प्यारा सा पिंक और ग्रीन कलर का होने वाला है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये जो स्टोन लगा हुआ है पिंक कलर का, इसमें आपको ना फ्लावर बना हुआ मिलता है। अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बट जब मैं क्लोजअप में आपको दिखाऊंगी तो काफ़ी अच्छे से आपको नज़र आएगा। इसमें भी आपको मैचिंग रिंग मिलती है। देखो क्या होता है ना, जब मैं रेडी होती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं रिंग वगैरह कैरी करूँ, तो उस चीज़ के लिए मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने रिंग वाले इस बारी मंगवाए हैं। ये आप देखोगे काफ़ी प्यारा है। और इस नेकलेस के साथ के लिए मैंने एक लॉन्ग हार भी मंगवाया है। एक्चुअली मेरे पास एक ना ग्रीन कलर का लहंगा है, तो मैंने सोचा था उसके साथ मैं इसे पहनूंगी, तो एक मैंने इसी के साथ के लिए एक रानी हार भी मंगवाया है। पिंक तो एग्जैक्ट मैच है, एग्जैक्ट डिज़ाइन है, बट हाँ इसका ग्रीन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग्स मिलते हैं। ये आप देखोगे ये वाले इयररिंग्स आपको मिलते हैं, इसमें पिंक इसका बिल्कुल एग्जैक्ट है। पहले मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, फिर मैं आपको ये वाला भी दिखाऊंगी नज़दीक से। इसमें आप देखोगे पिंक वर्क आपको मिलता है, वाइट स्टोन वर्क मिलता है, और पिंक और ग्रीन कलर के मोती वर्क आपको नीचे लड़ी में लगे हुए मिल जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं ये इयररिंग्स। इसके साथ आपको एक रिंग भी मिलती है, बट एक रिंग जो दी गई है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, एग्जैक्ट कलर मैच इसका नहीं है। मैं मोस्टली जो नेकलेसेस पहनती हूँ ना, वो रानी हार कम होते हैं, वो चोकर ज़्यादा होते हैं, तो इस बारी मैंने रानी हार मंगवाने की सोची, तो मैंने कहा चलो इसे ट्राई करती हूँ। इससे ब्यूटीफुल रानी हार मुझे मिंत्रा पे कहीं नहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत ही प्यारा मुझे ये लगा। ये आप देखो, अच्छा ये जो रिंग है ना, अब समझ में आया, यहाँ पर जो बीच में वर्क है ना, ये वाला, इस डिज़ाइन की एग्जैक्ट मैचिंग रिंग आपको मिलती है। मुझे लग रहा था कि यार कलर कॉम्बिनेशन कहीं से मैच ही नहीं कर रहा, बट नहीं, ये रिंग जो है वो यहाँ से मैचिंग मिलती है। यहाँ पर आपको दो बर्ड से मिलते हैं, हाँ तोता टाइप के बने हुए हैं ये दो तोता बना हुआ है, और काफ़ी प्यारा मुझे लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा मुझे लगा। पहन के मैं आपको दिखाऊंगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। और बहुत ही शानदार क्वालिटी है इसकी। अगर आपको ग्रीन कलर की साड़ी पहननी है, पिंक कलर की साड़ी पहननी है, या फिर भाई किसी भी कलर की साड़ी पहननी है, ज्वेलरी आप अपनी पसंद की पहनो उसके ऊपर। आजकल कॉन्ट्रास्ट का बहुत ज़्यादा फैशन है और बहुत मस्त लगती हैं ये वाली। तो चलो फिर अब मैं आपको ये वाला नेकलेस भी दिखाती हूँ। तो इसके साथ मैं ये वाला पहनूंगी ना, तो बहुत अच्छा जाएगा। नीचे मैं ये वाला पहन सकती हूँ कि देखो इसका मोती वर्क और इसका मोती वर्क एग्जैक्ट सेम है, तो मैंने इसीलिए दोनों को ऑर्डर किया ताकि मैं ऊपर चोकर की तरह इसे पहन लूँ और लॉन्ग हार की तरह इसे पहन लूँ। बहुत गजब का लगेगा। वाला नेकलेस मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये देखो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, मतलब आपकी गर्दन छोटी है, मोटी है, पतली है, कैसी भी है, आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा। इसमें भी आप देखोगे पिंक स्टोन वर्क, ग्रीन मोती वर्क, और यहाँ पर कुंदन वर्क हो रखा है, बहुत ही प्यारे से वाइट स्टोन वर्क हो रखा है। बहुत ही प्यारी क्वालिटी है इसकी। रिंग आपको इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग की मिल जाती है, और बहुत ही छोटू छोटू से आपको इयररिंग्स मिलते हैं इसमें। ये आप देखिए काफ़ी छोटे छोटे साइज़ के इयररिंग्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।
तो ये पूरा जब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी ना, तो आप मुझे दिखा बताना कि कितना ग्रेसफुल ये लग रहा है। एक मैंने गलती करी इस बारी, ये नेकलेस ना मैंने अमेजोन से भी ऑर्डर कर दिया और मिंत्रा से भी ऑर्डर कर दिया, दोनों ही जावेरी पर्ल्स के हैं। मैं आपको इसका ये वाला दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो। ये मेरे पास अभी 2 दिन पहले अमेजोन से आया और ये अभी अभी मेरे पास मिंत्रा से आया। अमेजोन वाला मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। हाँ, ये जवेरी पर्ल्स का है, बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं इसे रिटर्न नहीं करने वाली हूँ। दिवाली पे मैं एज अ गिफ्ट अपनी फैमिली में किसी को दे दूंगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही सुपर है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला है मिंत्रा वाला। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, इसे मैं पैक ही रख रही हूँ ताकि मैं किसी को गिफ्ट कर सकूँ आगे। और ये वाला आप देखो, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है ये, तो फिर पहनने के बाद ना ग्रेसफुल बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं से भी ना इसमें जोड़ वाली फीलिंग नहीं आ रही कि भाई, जो होता है ना कई बार हम लोग नेकलेस पहनते हैं और वो कहीं से टूटा टूटा सा लगता है, जोड़ वगैरह से दिखते हैं, वो ऐसा इसमें नहीं है। बहुत ही लाइट वेट है ये, तो पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ आपको छोटू छोटू से इयररिंग्स मिलते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम लोग साड़ी इतनी भारी पहन लेते हैं, लहंगा इतना भारी पहन लेते हैं कि उसके ऊपर ज्वेलरी बहुत भारी अच्छी नहीं लगती है, या सूट पहनते हैं तो उसके ऊपर ज्वेलरी बहुत भारी अच्छी नहीं लगती है। तो ये बहुत ही डिसेंट से इयररिंग्स इसके साथ मिलते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। नेक्स्ट जो मैंने एक नेकलेस अपने लिए मंगवाया है, इसका कलर मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था और मेरे पास इस कलर का ना एक एग्जैक्ट सूट है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे ट्राई करती हूँ। काफ़ी प्यारा है ये भी, और ये बिल्कुल ना आपकी गर्दन पे इस तरीके से बिल्कुल फिक्स हो जाने वाला है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ, तो इसमें वाइट स्टोन वर्क हो रहा है और यहाँ पे ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का, कुछ लोग बोलेंगे उस कलर के मोती लगे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके इयरिंग्स भी आप पहनना चाहो तो पहन सकते हो, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको उसका इयरिंग दिखाती हूँ, ये आप देखिए, इसके इयररिंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ, ये 450-450 रुपये का है बस। कोई भी ज्वेलरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, तो आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हो। सबके लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ये वाला पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है और कलर तो इसका बहुत ही ग्रेसफुल है ही। देखिए, पीच के साथ ये ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अगर आपको बोलूँ ना, आप इसको ऊपर पहन लो और इसको नीचे पहन लो तो भी बहुत अच्छा लगेगा, या फिर इसको ऊपर पहन लो और इसको नीचे पहन लो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने तो इसी हिसाब से मंगवाया ताकि मैं पूरा एक जो होता है ना फुल ऑन हार वाली फीलिंग ले सकूँ, जिसमें एक ऊपर चोकर हो और नीचे पूरा एक लॉन्ग हार हो। तो इसलिए मैंने ये 2 ऑप्शन ट्राई करने के लिए मंगवाया। आपको कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाइएगा ही जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।